हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज मैं लाई हूँ पार्टी वेयर सूट की कटिंग, तो फिर इसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये डिजाइनर कपड़ा है, इसलिए पहले हम एक पार्ट को काटेंगे, क्योंकि एक साथ काटने पे डिजाइन हमारा खराब हो जाएगा। आइए, अब मैं निशान लगा के बताती हूँ। शोल्डर हमारा 6.5 प्लस 1 साढ़े 7, गला 6 इंच का, गले की चौड़ाई 3, आर्म होल 6.5, एक निशान हम 14.5 और 1 21 पे लगा लेंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 10, कमर 9 और हिप 10.5। अब इसमें हम 1 1 इंच प्लस करके और निशान लगा लेंगे। 1 1 इंच हमने क्यों प्लस किया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और फिर हमें जितना मार्जिन रखना हो, मार्जिन रखते हुए हम अपना निशान लगा लेंगे। इस सूट की लंबाई हमें कपड़े के हिसाब से रखनी है। हमारा 2 मीटर कपड़ा है, मार्जिन रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। ये डिजाइन को देखते हुए मैंने देखिए पीछे का निशान लगा लिया है। हमारा गला 7.5 है, कंधा 6.5 और आर्म होल 6.5, और जितना हमारा फिटिंग का निशान था मैंने लगा लिया है। लगा के इसे हम कट कर लेंगे। अब हम बचे हुए कपड़े में से 9 इंच चौड़ा और 12 इंच लंबा कपड़ा काट के निकाल देंगे। ये हमारा 4 लेयर कपड़ा है, इसमें से हम स्लिप्स निकालेंगे। अब इसके डिजाइन को देखते हुए दोनों कपड़े के डिजाइन को एक तरफ करके पहले हम फिर स्लिप्स का निशान लगाएंगे। अगर हम एक साथ कटिंग करेंगे तो हमारे बाजू का डिजाइन नौ इंच चौड़ा और 12 इंच लंबा, स्लिप्स में देखिए 3 इंच का हम सेट देंगे। सात इंच पे हम स्लिप्स का निशान लगाएंगे और नीचे में हमारा 5.5। अब मार्जिन रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। स्लिप्स कट गया। अब इसमें हम ये हमारा सलवार का बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम बाजू में लगाने के लिए घेर काटेंगे। ये हमारा 5 इंच ऊपर, चारों तरफ हम हर तरफ से 5 इंच पे निशान लगा देंगे। मेरे बाजू की टोटल लंबाई ऊपर से देखिए 10 इंच आ रही है। चारों तरफ से हम 10 इंच पे निशान लगा के गोलाई में निशान लगा लेंगे।
अब इसे हम बराबर करते हुए कट कर लेंगे। ये देखिए आगे के पार्ट्स को मैंने लिया है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया था। अब हम जितने पे टैकिंग देते हैं ये 4 इंच पे एक सीधी नीचे तक दोनों साइड एक हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इसके ऊपर ये देखिए ऐसे हम ये देखिए ये लेस का अपोजिट साइड है और ये है सीधा साइड। ये समोसा लेस है, इसे हम पूरा ऐसे यहाँ से 4 इंच निशान लगाएंगे और पूरा नीचे तक स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ। स्टिच करने के बाद ये देखिए सूट को मैंने सिल लिया है। ये देखिए से उल्टी साइड से मैंने पहले लेस को सिल लिया है। क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ हमारा उल्टा साइड ये लेस है। अब इसको हम ऐसे करके एक सिलाई इस पर पूरा नीचे तक लगा लेंगे। दोनों तरफ हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए ये जो हमारा आगे का गला निकला था 6 इंच, इसकी लंबाई मैंने रखी थी 6 और इधर से ये 3। अब इसे हम रख के इसे हम पिन अप कर लेंगे ताकि ये हिले ना। इसे रख के हमने निशान लगा लिया और ये 2 इंच आपकी मर्जी, आप जितना चौड़ा रख सकती हैं। ये मैंने 2 इंच लिया हुआ है चारों तरफ से 2 इंच और फिर सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेके इसे कट कर लेंगे। इसे अभी हम अलग नहीं करेंगे, इसे हम यहाँ पे कट इस कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है, आप अपना उल्टा सीधा देख सकते हैं। आप देखिए इसको हम ऐसे ऐसे निशान पे रखते हुए पूरा गोल स्टिच कर लेंगे। पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। उसके ये हमारा सूट का फ्रंट हिस्सा है। ये देखिए सूट उल्टा है और फिर अस्तर, फिर नेक जो हमने काटा था उसे हम उल्टी तरफ से रख के और स्टिच करेंगे। मैंने इसे निशान लगा के स्टिच में कर लूँगी। आप अपनी सुविधा के लिए इस पे पेस्टिंग पेपर लगा लें जिससे गला बनाने में आपको सुविधा होगी। मेरा ये मोटा कपड़ा था इसीलिए मैंने पेस्टिंग पेपर नहीं लगाया। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाकर गले को सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये गला मैंने सीधा कर लिया है। अब इसमें हम आयरन लगा के इसके लेस को देखिए ऐसे आयरन से हम इसे सीधा कर देंगे। उसके बाद हम पूरे गले को स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमारा गला बन गया है। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे हम अच्छी तरह से सिल देंगे और आयरन कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।